और इस सोशल मीडिया और साइंस की प्रोग्रेस ने हमको शायद बहुत एक दूसरे से दूर कर दिया है, और खास करके हमारे बॉलीवुड जिसका मैं नमक खा रहा हूँ 20 साल से और जिसके समय जिंदा हूँ, तो वो बॉलीवुड भी बहुत तकलीफ में है। काफ़ी लोग डिप्रेशन से, एंग्जाइटी से जूझ रहे हैं। इन गए 8 से 10 साल में काफ़ी सुसाइड रेट बढ़ गए हैं, इसलिए इस सेमिनार को हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है। रोशन सर, सबसे पहले शुरुआत हम आप ही से करते हैं कि मेंटल हेल्थ के बारे में हम आपके जो हमारी करंट स्टेटस है उसके बारे में कुछ सुनना चाहते हैं। थैंक यू। 2024 है अभी, 2023 का स्टैट्स बता रहा हूं। इंडिया सुसाइड केसेस 4.5 लाख, एज ग्रुप 15 to 21, उसके आगे तो मैं नहीं जा रहा हूं। अगर आप पूरा मैथ करोगे सो वी आर टॉकिंग ओवर 10 लाख पीपल हैव कमिटेड सुसाइड only in 2023. ये mental health क्या होता है? Do we know about it? India supreme power है mental sickness का in the world, much more than even China. Because 80% लोगों को इतना भी पता नहीं है कि वो depression से गुजर रहे हैं। 80% मुझे Mercedes लेना है तो मैं लिया। मर्सिडीज मेंटेन करना वो महंगा पड़ता है। हम लोग जीते हैं दुगली जिंदगी, और ये दुगली जिंदगी ने मुझे इस फील्ड में लाया है 12 साल पहले। ओनली थ्रू म्यूजिक आई हेल्प यू डील विद इट। फिर मेरा हुआ इंट्रोडक्शन विद, जो पहले भी था, बट विद द बैकस्टेज आर्टिस्ट, इवन जो हमारे टेक्नीशियंस हैं, एवरीबडी को चैलेंजेस है हाउ टू डील विद इट। नंबर वन, अच्छा एक कन्फेशन है करूं, एक कन्फेशन, मैं आधा घंटा पहले आया था, आधा पौना घंटा बैठा था, 5 लोग अपने सेल्फी ले रहे हैं, ले लो कोई बात नहीं, बट 100% जो एडिक्शन है ना वो थोड़ा कम करो, क्योंकि द मोमेंट हम, अच्छा कोई मुझे ऑनेस्टली जवाब दो, जब हम उठते हैं पहला चीज क्या करते हैं? सुबह क्या करते हैं? फर्स्ट थिंग योर मोबाइल, वहां से शुरुआत करो। 10 मिनट में बात करो ना, कुछ नहीं होता। हम यस्टरडे का टेंशन आज पाल रहे हैं कल के लिए। ये रहता है फॉर इवन द फिल्मी वर्ल्ड, फॉर एवरीवन। कनेक्ट विद रियल पीपल सर, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट। मैंने आपको एक वीडियो भेजा था, आज बाल दिवस है, मेरा तो आज दिल वसूल हो, क्योंकि आज सुबह आदर्श नगर में 300 बीएमसी स्कूल के बच्चों के साथ मैं खेल रहा था एंड क्रिएटिंग अ ड्रग अवेयरनेस, और वो लोग ने सुना मेरी बात। How many of us take drugs over here? Come on, बोल दो, बिंदास बोल दो, अरे बोल दो यार। अच्छा, how many of us are addicted? सब झूठे हैं। We all are addicted to this. ये भी तो एडमिट करो। ये आपका एडिक्शन 10 मिनट का गेम होता है, 10 मिनट फॉर द वर्ल्ड एंड फॉर योर लाइफ। डू वी नीड दैट? So my message to you is very simple. Your mental health is much more important than your physical health. कितना भी जिम करो, कितना भी पैसा हो आपके पास, जब तक ये ठीक नहीं है कुछ नहीं होगा। Thank you. Thank you so much sir, कि जो इतनी important knowledge आप मेरे film makers और यहाँ के participants को जो आप share कर रहे हो। जब रोशन सर से मुलाकात हुई थी मेरी, तो एक नई चीज मुझे पता चली थी कि म्यूजिक के जरिए भी थेरेपी होती है। अक्सर मैं ऑब्जर्व करता था सर, मैं जब भी मैं छोटा था और जब जवानी की तरफ कदम बढ़ाए, तो जब सबसे पहला प्यार टूटा तो वो डिप्रेशन में जो गाना सुनते थे डिप्रेशन वाले, तो और डिप्रेशन में चल जाता इंसान।
लेकिन उसका साइकोलॉजिकल कनेक्शन जो है वो आपसे मिलने के बाद पता चला सर कि अक्सर खुश होता है इंसान तो खुशी के गाने सुनता है, दुखी होता है तो दुखी के गाने। तो ये जो कॉन्ट्रास्ट कॉम्बिनेशन है, तो ये किस तरह हमने हैंडल करना चाहिए कि ह्यूमन साइकोलॉजी में कि हम बहुत दुखी है तो इसका म्यूजिक से किस तरह कनेक्शन है कि हम खुश है, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए कि म्यूजिक का और मेंटल हेल्थ का क्या कनेक्शन है। यहाँ पे कोई है जिसको म्यूजिक पसंद नहीं है? मैं अब तक एक इंसान मिलना चाहता हूं, पूरी दुनिया में नहीं है। आपको सिंपल बताता हूं म्यूजिक क्या चीज है। जैसे हम बात करते हैं, अभी आप वर्ड्स निकाल दो, अल्फाज निकाल दो, आपको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? साइलेंस। आप बात कर रहे हो, आप अल्फाज सिर्फ निकाल रहे हो, मिलेगा क्या? साउंड। व्हाट इज साउंड? साउंड इज म्यूजिक। Music is so deep inside us that even the sound of AC, sound that is music. I mean, कहने के लिए तो बहुत कुछ है, पर वापस रिपीट करो क्वेश्चन, सबको सुनना है। वापस क्या पूछा था आपने? कि जब आदमी दुखी होता है तो दुखी गाने सुनता है, जब खुश रहता है तो खुशी के गाने सुनता है, ठीक है? तो जब दुखी इंसान दुखी गाने सुनता है और डिप्रेशन में चले जाता है वो, इसका क्या तल्लुक है म्यूजिक का इनका आर्गुमेंटल हेल्थ से? मैंने इनको माइक वापस क्यों दिया? क्योंकि ये सेम क्वेश्चन रीइंफोर्स करो, दुखी होते हैं तो और दुखी गाने सुनेंगे। आपको पता है एनी स्विमर हो या एनीबॉडी नो स्विमिंग? ओके, डू यू नो यू कैन लर्न स्विमिंग मोर बेटर इन अ सी देन अ स्विमिंग पूल? सी में आप जल्दी स्विमिंग सीखोगे देन अ स्विमिंग पूल। आस्क मी व्हाई? बिकॉज यू आर स्विमिंग अगेंस्ट द वेव। स्विम अगेंस्ट द वेव। सेम थिंग विद म्यूजिक। दुखी होते हो, लिसन टू सम पेटी म्यूजिक, सम डिफरेंट जॉनर, इवन कोई भी जॉनर जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं हो वो भी सुनो, आपका मूड ऐसा चेंज हो जाए। मैं गोवा जाता हूं बाय कार, एवरी 30 मिनट्स आई चेंज माय जॉनर ऑफ म्यूजिक, क्योंकि योर माइंड इज एब्स्ट्रैक्ट। सो जब भी आप दुखी होते हो, स्विम अगेंस्ट द वेव। आप मैं नहीं बोलता हूं, जब खुश होते हो बैठ के गजल सुनो ना, अलग अलग जॉनर्स है यार, सबका थोड़ा थोड़ा खा लो ना। वर्क ऑन योर मेंटल हेल्थ थ्रू म्यूजिक, बिकॉज आई एम नॉट सेइंग स्ट्रेस नहीं होगा, स्ट्रेस हमेशा होगा, इट विल हेल्प यू हाउ टू डील विथ योर स्ट्रेस, क्योंकि आपका जो स्ट्रेस है वो आपका ही रहेगा। एंड म्यूजिक इज वन थिंग होलिस्टिक विच कैन हेल्प यू डील विथ योर स्ट्रेस। सर मेरा अगला सवाल है विकट सर से। सर आपके जैसे कि जो मुंबई क्राइम ब्रांच है, सुना है कि मैंने एक इन्फॉर्मेशन सुना था कि पूरे वर्ल्ड में नंबर वन की पुलिस है मुंबई पुलिस, तो इस 30 साल के अनुभव में, 30 से 40 साल के मुंबई पुलिस के अनुभव में, ये जो क्राइम रेट्स है हमारे जो सिनेमा का कितना इम्पैक्ट होता है क्राइम पे, कि आपकी जो 40 साल की जो जर्नी है क्राइम ब्रांच में, तो सिनेमा जिस तरीके का भी सिनेमा बन रहा है, मैं डायरेक्टली नाम देना चाहता हूँ सिनेमा के, जैसे कि एनिमल जिसके अंदर इतना वायलेंट बताया जाता है, इतना वायलेंस बताया जाता है, और भी बहुत सारी फिल्में हैं जिसके अंदर अश्लीलता एकदम अश्लीलता बताई जाती है, तो इस अश्लीलता का क्या रेप से या वायलेंस का क्राइम से क्या कुछ ताल्लुक आता है सर, क्या आपके अनुभव के हिसाब से? 100% उसमें आता है, जितने भी अपने क्राइम जो क्राइम रिलेटेड फिल्म से, जैसा आपने बोला एनिमल, अगर आप एनिमल फिल्म मैंने देखा नहीं है क्योंकि मैंने उसका कुछ ट्रेलर देखा हुआ, मैंने भी देखा था ट्रेलर, जो कि वो फिल्म ही ऐसा है कि छोटे बच्चे उन्हें भी देख लिया तो आगे जाके वो करेंगे, मतलब इतना उसके अंदर इतना वायलेंस भरा हुआ कि अगर वायलेंस कोई भी वो पिक्चर देखे तो वो करेगा ही करेगा, क्योंकि वहाँ अगर अमेरिका में स्कूल में जाने वाले बच्चे अगर हाथ में गन लेके जाएंगे तो कल इंडिया में भी यही हो जाएगा कि हम क्यों नहीं जाएंगे। और सिनेमा सर, सिनेमा का बहुत गहरा ताल्लुक है इंसान, ठीक है, दूसरा ही है। मैं आपको दूसरी बात बता दूँ,
जैसे मैंने आपका एनिमल फिल्म के बारे में बोला, आप दूसरा फिल्म देखो, जैसे अभी मैं किसी कोई एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। अगर आप बॉर्डर फिल्म देखेंगे तो हर एक नौजवान को लगेगा कि मैं मिलिट्री नहीं जाऊँ, मैं देश की सेवा करूँ, क्योंकि ऐसा वो आदमी सोचता है कि अगर मैं अगर बॉर्डर पिक्चर का एक एक रोना फिल्म है तो जब आई वॉज ज्वाइन 1981 सर मेरा ट्रेनिंग था चारधाम में। मैं आपको एग्जांपल सेम बॉर्डर का एग्जांपल देता हूँ, जो बॉर्डर में जब संदेश आते थे ये जो फिल्म गाना है ये उसी टाइम 81 में जब मैं जालना में था मेरा ट्रेनिंग था, उस टाइम ये मोबाइल फोन भी कुछ नहीं था तो लेटर लिखते थे हम, तो हम 1 अप्रैल 1981 में ज्वाइन किया, तो हम उधर से पहुँचे, पहुँचने के बाद सबने लेटर लिखा, तो जिस दिन डाकिया आता था वो डाकिया के सब टायर्स उछल जाते थे ग्राउंड, मेरा कद मेरा कद मेरा कद, क्योंकि जो एक एक लाइन उस पर जो बॉर्डर ने लिखी है वो सही है। अगर बॉर्डर आदमी पिक्चर कोई भी देखेगा तो उसका लगेगा मैं देश सेवा करूँ, अगर आप सिंगम देखोगे तो उसे लगा मेरी पुलिस नहीं चला, ऐसा भी हो जाता है। दूसरी बात ये है कि अगर कोई फिल्म कोई क्राइम का एक यमोवी यमोवी मतलब मेथड जो दिखा है उसके अंदर, वो मेथड से आदमी क्राइम सीख भी सकता है। अगर एक आपने अमिताभ बच्चन का एक फिल्म था उसका नाम मुझे ना, वो ट्रेन से सफर कर रहे थे, वो जहाँ से उन्होंने डिटेंशन किया था वो डी सी आके चेक करने के बाद वो बीच वाले स्टेशन में उतरते हैं, आगे जाके बाइक से आगे स्टेशन में चले जाते हैं, फिर उधर से बीच में उतर के जो उनको क्राइम करना था वो करके फिर अगले वाले स्टेशन में बैठते हैं, उधर फिर टी सी से अपना टिकट चेक करके निकल जाते हैं। तो उनका प्रूफ क्या हो गया कि ही वॉज इन ट्रेन बट ही वॉज इन ऑन क्राइम स्पॉट। तो ये जो चीज़ होती है तो लोगों को अगला कुछ हिंट मिलता है कि अपन क्राइम हम कैसा कर रहे हैं, तो ये भी फिल्म से होता है। तो ऐसा नहीं कि फिल्म से इतना ही होता है, फिल्म से समाज में अवेयरनेस भी होता है, फिल्म में कुछ सीखने फिल्म से कुछ सीखने के लिए मिलता है। अगर हमारी संस्कृति मराठी है तो मराठी फिल्म बहुत से है उसके अंदर हमारी मराठी जो कल्चर होता है तो उससे हमारा कल्चर भी आगे जाके डेवलप होता है। ये सब मतलब सभी पिक्चर ऐसे नहीं है कि जो दिखाते हैं। अभी आपने बोला एक ड्रग्स के बारे में, जो ड्रग्स जो आजकल मार्केट में जो ड्रग्स हैं उससे बड़ा ड्रग्स ये मोबाइल है, इससे मैं जो बोला कि वो सबसे बड़ा खतरनाक आज के तारीख में, मतलब 3 से 2 साल से बच्चे से लेके 1 साल से बच्चे से लेके 100 साल की उम्र के आदमी के हाथ में एक ही चीज आई है। तो ये फिल्म से अगर सोशल में देखा जाए समाज में तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि समाज में अवेयरनेस भी होता है और कुछ उल्टी चीज़ें भी होती हैं। अच्छा सर, एक थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन पूछना हूँ कि मेरे जितने भी फिल्म मेकर आए यहाँ पे सारे लोगों ने सामाजिक मुद्दे पे फिल्में बनाई हैं और उनके लिए एक तालिया हो जाए, मेरे फिल्म मेकर्स के लिए एक तालिया हो जाए। सर अभी देख रहा हूँ कि मैं नाम लेना चाहूंगा कि बहुत सारी सेलिब्रिटी है जैसे कि अजय देवगन है और शाहरुख खान है, बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी है जो लोग गोवा गुटखा की एड करते हैं, अभी मैंने देखा है। साथ ही साथ मैं देख रहा हूँ कि गांव खेड़े में आजकल ऐड आती है कि मैं पहला काम वाली बाई थी, फिर उसके बाद में मैं जंगली जमीन खेलना शुरू की, फिर उसके बाद में इतना मेरे को पैसा मिला, फिर अभी मैं बुलेरो में घूमती हूँ, फिर कोई बोलता मैं दूध वाला भैया था, फिर कहा बताया हम 10 रुपए के जंगली जमीन खेले बोनस में डायरेक्ट अकाउंट हमारे ट्रांसफर हो गया। और इसके अंदर बड़े बड़े क्रिकेटर्स बड़े बड़े स्टार्स और बहुत ही बड़े बड़े हमारे फिल्म स्टार बॉलीवुड के जो लोग हैं जो नाम खराब करे बॉलीवुड का, तो इनके खिलाफ क्या कभी कैसा कोई कानून आएगा कि जिनका इन्फ्लुएंस लेके, जैसे कि सुनील जी को मैं देख रहा हूँ कि आज वो कितने कम से कम 20 साल से उनको ऑब्जर्व करा हो कि सिर्फ दुनिया को हंसाने का काम कर रहा है, क्योंकि दुनिया को हंसाना काम मैंने भगवद गीता में पढ़ा था कि दुनिया का सबसे बड़ा पुण्य का काम यह है कि लोगों को हंसाया जाए और सुनील जी के लिए तालियां हो जाए और उनकी जिंदगी का गम दबाकर वो जो लोगों के इतने साल से एंटरटेन कर रहे हैं, तो क्या
क्या इनके ऊपर कभी कानून बनेगा या इनके ऊपर मुंबई पुलिस कुछ कभी एक्शन ले पाएगी क्या? बहुत अच्छा सवाल ये है, सॉरी सर, लेकिन मैं मजबूर हूँ। इस फैक्चुअल पोजीशन मैं आपको फैक्चुअल पोजीशन बताता हूँ, फैक्चुअल सिचुएशन बताता हूँ। एक चीज है कि आपने बोला कि हमारे बड़े बड़े सेलिब्रिटी विमल गुटका या उसका एडवर्टाइज कर रही है, वो खाने वाले को क्या मालूम कि उसके अंदर विमल गुटका है कि और कोई तंबाकू वाला गुटका है, और उससे तो असर होना ही होना है और उसके लिए कानून होना भी चाहिए। कम से कम ये जो चीज़ें हैं, तुम अगरबत्ती की ऐड करो और कोई मिनरल वाटर की ऐड करो या तुम कोई खाने की चीज़ की ऐड करो, पर ये जो चीज़ है वो तो नहीं होना चाहिए, इससे मैं भी सहमत हूँ। दूसरी बात, मैं आपको एक मजाक की बात बताता हूँ। मैंने गवर्नमेंट का मतलब 40 साल मैंने नमक खाया है, तो भी मैं आज एक चीज़ बता हूँ। आप 31 दिसंबर जानते हैं सर, 31 दिसंबर, 31 दिसंबर को हर होटल्स, वाइन शॉप, बार्स, जनरल ऑर्डनरी इंडस्ट्री 12:30-1 बजे बंद हो जाते हैं, बराबर उस दिन सवेरे 5 बजे तक चल रहे हैं। ठीक, 5 बजे तक चालू रखते हैं। मैं एक क्लास वन ऑफिसर होने के नाते में बोल रहा हूँ, जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, अगर 5 बजे तक हम होटल परमिशन देते हैं तो आज भी 5 बजे तक दारू ही पिएगा, दूध तो नहीं पिएगा। दूसरी बात ये कि अगर हम उनको 5 बजे तक दारू पीने के लिए अलाउ करते हैं और उस टाइम मैं रोड पे खड़ा होकर ड्रंक एंड ड्राइव करता हूँ, उसका मतलब मतलब लोगों को तुम पियो भी और फिर बाकी बाहर आएगा 5 को एक्सीडेंट करने वाला। जैसे अभी मैं 5 साल मुझे नीचे आते ही मिल गए तो उन्होंने ऊपर आते थे आपको क्या बोला, मैं अभी अभी उनकी गाड़ी के नीचे आया था, एक जोक की बात, या अभी अभी उनकी गाड़ी के नीचे आया था। मैं उनको बोलना मतलब अभी बोलता हूँ, अगर ऐसे बाहर कभी बोल दूँ कि SCP साहब की गाड़ी के नीचे आया था तो 2 मिनट में क्योंकि दोनों भी आप भी सेलिब्रिटी है, मैं भी पुलिस का एक जिम्मेदार ऑफिसर तो आप भी है, आप दुनिया को इतना एंटरटेनमेंट करते हैं, हमारा एंटरटेनमेंट ऐसा रहता है हम जब 24 घंटे रोड पे रहते हैं हम ये देखते हैं, हम मेरे मिसेज सामने बैठे हैं उनको पूछो 1979 में मैंने लास्ट का गणपति मेरे गांव का मैंने अटेंड किया है, आज तक 42 ईयर्स हो गए मैं अभी तक घर के गणपति में गए। तो एक चीज है, हम गणपति में घर पे नहीं रहते, दिवाली पे घर पे नहीं रहते, दशहरा पे घर पे नहीं रहते, 31 दिसंबर नहीं, आपको मालूम है मेरा 31 दिसंबर हम पूरे 2-3 दिन घर से बाहर ही रहते, हमारा एक जो बाहर त्योहार चल रहा है, जो फेस्टिवल चल रहा है, गणपति है, नवरात्र है, होटल होली है, जब लोग सुखों से बाहर त्योहार मनाते हैं उनके आँख में जो आनंद हमको मिलता है वही हमको त्योहार का आनंद मिलता है। हमको वो सुखों नहीं कि हमको घर से बाहर निकले, कि जब मेरा कॉन्स्टेबल हो और हमारा DG हो, जब घर से बाहर निकलते हैं वो सुकून से अपने अपने धर्म के अनुसार अपने मंदिर घर के बाहर या मंदिर में खड़े होकर एक प्रार्थना करता है कि मेरे सेक्शन के अंदर आज कुछ न हो, शांति से मैं घर चला, ये चीज चाहता है हर एक पुलिस वाला। वैसे आपका काम है कि आप एंटरटेनमेंट करते हैं, तो हमारा ये टेंड है एंटरटेनमेंट ज़्यादा होता है कि हम लोगों को उनका एंटरटेनमेंट कैसा ईजी से हो जाएगा, खुशी से हो जाएगा, इसके लिए हमको कितना भी तकलीफ हो जाए तो हमें कुछ असर नहीं होता। थैंक यू सर। सुनील जी, जैसे कि मैं काफ़ी सालों से आपको देखता हूँ कि बहुत सारे चीज़ों के ऊपर आपने बेबाक अभिप्राय दिया है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स कॉन्ट्रोवर्सी भी हुई थी कि आप किसी भी चीज़ के खिलाफ इंस्टेंट आवाज उठाते हो, बहुत सारे रील्स और वीडियोस में देखा है। जितना कि मैं अभी गए 9 साल से मेंटल हेल्थ पे काम कर रहा हूँ तो मैंने आपके लाइफ को बहुत करीब से देखा है और अक्सर आप कभी भी इवेंट के लिए कभी ना नहीं बोलते हो, इंस्टेंट आप टाइम निकल के आ जाते हो इस इवेंट के लिए, इसके लिए बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मैं आपका। तो ये जो सिनेमा, जिस तरीके का सिनेमा बन रहा है हमारा,
और इसके अंदर से जो सोशल फिल्म मेकर्स है, जो सामाजिक मुद्दे पर फिल्में बनती है, इनको लोग देखने जाते नहीं या इनकी रिकवरी नहीं होती है। लेकिन उसके बावजूद ये फिल्म मेकर्स, जो यूथ फिल्म मेकर्स है, ये आए जा रहे हैं और सामाजिक मुद्दे पे किसी न किसी माध्यम से ऐसे फिल्में बनाते जा रहे हैं। तो क्या इसको लेके सरकार ने कोई एक स्पेशल फंडिंग या स्पेशल सेक्शन निकालना चाहिए जिससे कि जो सामाजिक मुद्दे पे जो फिल्में बनती हैं उनकी रिकवरी हो पाए? सबसे पहले यहाँ पर आए तमाम भाई बहनों को नमस्कार। विक्रांत जी, आपका बहुत धन्यवाद कि इतने गुणी लोगों के बीच मुझे आने यहाँ बैठने का मौका मिला। ये मेरा सौभाग्य है। थैंक यू सर। आप सबकी महानता है कि मुझे यहाँ पर आपने ये सौभाग्य दिया है। और जितने लोग यहाँ पर मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये सब अपने अपने क्षेत्र के बहुत महान लोग हैं। जहाँ तक बिल्कुल सही बात कही आपने कि हर एक मुद्दे पर अलग अलग फिल्में बनती हैं, उसका अपना ऑडियंस है, वहाँ तक फिल्म पहुँचे इसके लिए सरकार की अगर मदद होती है तो बहुत अच्छी बात है। वो संस्था सरकार ने उसके लिए एक अलग मंत्रालय भी बना रखा है, लेकिन दुर्भाग्यवश उस मंत्रालय तक हमारी बात नहीं पहुँच रही है या वो हम तक नहीं पहुँच पा रहे। लेकिन ये ज़रूरी है कि जैसे बड़ी फिल्मों के लिए तो थिएटर मिल जाते हैं। अभी मेरी फिल्म आ रही है 22 तारीख को, कॉफी विद अलोन, इसके बारे में सर कुछ बताइए। मैंने देखा और आपने सुना, चाय पिया, मैंने सिर्फ अकेले कॉफी पी। ये मेरी फिल्म का प्रमोशन था, कॉफी पी लो। इसके बारे में ये बताऊंगा मैं कि 22 तारीख को आ रही फिल्म, ये एकल फिल्म है। आज तक मुझे शायद दत्त साहब की फिल्म याद है 10 साहब ने फिल्म बनाई थी जिसको वो अकेले थे। ये फिल्म है कॉफी विद अरुण, जिसमें मैं अकेला कैरेक्टर हूँ। कॉफी विद अरुण इन ब्रैकेट लिखा हुआ है। ये फिल्म कैरेक्टर लेस है क्योंकि फिल्म को कैरेक्टर है नहीं। आसपास की आवाजें आ रही है, कुछ हो रहा है, जैसे तो ये सुनील दास साहब ने यादें बनाई थी। सुनील पांडे हम सुनील लोगों ने एक वक्त ले रखा है, ठीक है, और उन्होंने यादें बनाई थी मैं कॉफी विद अरुण। लेकिन कहानी है डिप्रेशन की, एंजाइटी की, मूड स्विंग्स की। एक ऐसा मरीज है जो आज के जीवन में, जैसे कि आप लेकर के हर दूसरा व्यक्ति डिप्रेशन में है, शुक्र है कि मैं पहला हूँ, और जो पानी नहीं बचा दूसरा है डिप्रेशन में, हर दूसरा आदमी डिप्रेशन में, हर पहला आदमी डिप्रेशन का डॉक्टर है, परंतु उसको इलाज पता नहीं। एनीवे, तो फिल्म की कहानी जो कॉफी की जलोनी, यही दर्शाती है कि आज के दावा दावे के जीवन में आप कितने परेशान हो, कितने अकेले हो। जिस सर ने कहा हम कितने अकेले हैं, कॉफी भी दलो कितने अकेले हैं, आपको कोई समझने वाला ही नहीं है। क्योंकि हर आदमी अपने जिसे भी देख, निजाम फांसी साहब ने लिखा था, जिसे भी देखे वो अपने आप में गुम है। जुबा मिली है मगर हम जुबा नहीं मिलता, क्या बात है ना। ऑडियंस थोड़ी समझदार लगी चीजें अपने आचल नहीं लाए, या समझदार है सोच रही कि अकेले ही रहते हैं इसको। नहीं, हम आपके साथ हैं। कल्याण जाना हमेशा मेरे साथ रहता है। अब तुम्हारा कल्याण करे, और जहाँ जाते जी जाना हो वहाँ सक्सेसफुल तरीके से जाए। एक दो तारीख बजे वो भी रहने दो, थोड़ा लोगों को लगेगा एक आदमी तोहरा को टोक रहा था, बाकी सब मांगने आ गए। तो ये फिल्म जो है कॉफी विद अरुण, जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं, ये एक ऐसी कहानी है कि डिप्रेशन का मरीज, डॉक्टर ने कहा कि 3-4 दिन अंदर रहना, तुम्हारा इलाज चल रहा है, घर के अंदर रहना, अकेले रहना, क्योंकि तुम ना किसी के साथ शेयर कर सकते हो, ना तुम्हारे साथ कोई तुम्हें समझ सकता है। बाहर जाओगे तो पता नहीं लोगों के रिएक्शन तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। तो फिलहाल इलाज चल रहा है तुम्हारा, तो तुम रहो। उस एकलौते व्यक्ति की क्या व्यथा है, क्या है, वो फिल्म की कहानी है कॉफी विद अरुण, जो 22 तारीख को आ रही है। 21 तारीख को इसका प्रीमियर रखा मैंने सिनेपोलिस फन रिपब्लिक में, जिसको भी जब जब भी जिनके पास भी वक्त हो अपना गेम की ओर जरूर निकालें। और तो ये जो कहानी है, इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि हमारे वाकई इस सर्वे कहा कि मोबाइल में इतना सुबह से शाम तक बिजी रहते हैं, हर चीज़ में अपने बिजी रहते हैं। हालांकि मुझे लगता है कि डिप्रेशन शब्द अब आया है, परेशानियाँ तो शुरू से ही रही है हमारे पास में शुरू से, लेकिन उस वक्त हम फिजिकली फिट थे, ज़्यादातर काम फिजिकली करते थे, अपना काम खुद करना, खेती बाड़ी करना, मेहनत करना, मजदूरी करना, इसको बड़ा प्राउड समझते थे। आजकल थोड़े से लोग क्या सोचते हैं कि मेहनत मजदूरी करना मतलब अपना काम नहीं है, किसी और से करवा लो, मैं तो दिमाग से काम करूंगा। तो जहां दिमाग का इस्तेमाल होगा
वहां या तो तुम बहुत बुद्धिमान होंगे या तो डिप्रेशन में जाएंगे। अच्छा सुनील जी, आपके बात को कट करके एक बात करना चाहूंगा कि आप जब इतने साल, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है ऑडियंस की तरफ से जो मेरे मुझे फेस्टिवल्स में मुझे लेटर्स आए हैं कि आप इतने हंसाने का जो काम करते हो हर पल तुरंत एक्टिव हो जाते हो, कोई भी दिन मैंने देखा है गए कम से कम मैं 12 साल से तो देख ही रहा हूँ। तो सुनील जी एक पर्सनल क्वेश्चन भी है और हो सकता है इसका जवाब सुनने के बाद में लोगों को इंस्पिरेशन मिले कि क्या आपकी जिंदगी में जो भी दुख है, क्योंकि इंसान होगा तो प्रॉब्लम है दुख होगा, इमोशन होगा, तो उस इमोशन को आप हैंडल करके आप वो प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसे रखते हो, इंस्टेंट कैसे हंसा सकते हो, कैसे कैसे हो पाता है आपसे? परमात्मा की कृपा से जो काम मिला है वो हंसाने का काम है, वो मेरा रोजी रोटी है, भगवान ने मुझे काम दिया है उसके लिए तो मुझे हमेशा तैयार रहना ही पड़ता है चाहे किसी भी परिस्थिति में। इससे पहले कि जनता डिप्रेशन में है हमारी वजह से अगर चाहता हूँ कि खाने का बंदोबस्त है क्या है लोगों को खुशी और कोई चीज़ें प्राप्त हो, अच्छी चीज़ें प्राप्त हो, खुशी मिले। डिप्रेशन का कारण भी यही है कि हम, अब मैं देखता हूँ बहुत सारे मोबाइल की ही अगर मैं बात करूँ तो हम अपने दोस्तों को भी मैसेज भेजते हैं कि आज मेरा जन्मदिन है या आज मेरे मुझे अवार्ड मिला है। अपने ग्रुप पे अगर 250 लोग हैं, 250 का ग्रुप होता है, दो लोग भी रिप्लाई नहीं करते। सही है, मैं देता हूँ रात 2 बजे भी आपको रिप्लाई। जब अप्रिशिएट नहीं होता है अपने आजू बाजू के लोग अप्रिशिएट नहीं करते आपके ही लोग आस पास के लोग इतना आपको परेशान कर देंगे, इतना दुखी कर देंगे, इतना आपको निराश कर देंगे, जहाँ निराश है हमारे प्रश्न, अरे यार आपने सोचता है मैंने इतने लोगों को भेजा किसी ने नहीं रिप्लाई किया यार, वो भी प्रश्न में जाता है ना। तो वो ये क्या मोबाइल नहीं था तो उसको पता नहीं चलता था, उसको लोग दिल से देखते, फिल्में लोग दिल से देखते थे, अब दिमाग से भी देखते हैं। अब फिल्म में आपने देखा तो मल्टीप्लेक्स में लोग ऐसा देखते हैं जैसे फिल्म पे मेहरबानी कर रहे हैं, ऐसा पैर रख के ऐसा ये करके देख रहे हैं। जनगण मन के लिए खड़े होने में मैंने कई लोगों को देखा, अरे यार वो जो सो कॉल्ड एनआरआई है, एनआरआई सिर्फ बाहर थोड़ी है, यहाँ पर भी एनआरआई है, एनआरआई यहाँ पर भी बहुत सारे एनआरआई। कैसे? उनका हर काम बाहर से होता है, खाना वो बाहर से मंगाएंगे, भाषा वो किसी और की बोल रहे हैं, और इतने एनआरआई देश का राष्ट्रीय गान जो है उसके लिए खड़े होने का मन नहीं करता और मजबूरी के तहत अगर खड़ा होना भी पड़ा तो भारत माता की जय कोई नहीं बोलता, उसको डाउन मारकर समझते। तो जब आप अपने ही बॉडी के साथ अपने ही आप के साथ खिलवाड़ कर, भाई आप वो तो हो नहीं, अंग्रेज तो हो नहीं, आप अंग्रेज तो हो नहीं, आप देसी पन छोड़ के जब अंग्रेज किसी और को अपनाओगे तो आप तो एक जिंदा लाश ही हो गए ना, कुछ हो नहीं, तो जिंदा लाश के तब फिर इस तरह की बीमारी होगी। आप नेचुरल रहेंगे, नेचुरल, आपने मुझे कोई मैसेज किया मैंने कुछ रिप्लाई कर दिया, नेचुरल रहेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात, लेकिन मैंने नहीं किया इसका मतलब कि मैंने कुछ दबाया, अपने इमोशन में दबाया मैंने, अरे इसको मत करो यार, तो आप मैसेज करके फ्री हो गए या तकलीफ में जो भी है, मेरा मकसद था कि आपको तकलीफ दूँ लेकिन मैं भी तो तकलीफ में आया, तो दोनों डिप्रेशन में आ गए, दोनों डिप्रेशन में। तो कोई अगर आपको भी यहाँ पे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ मैं कि आपके आसपास का कोई बंदा आपको किसी तरह की कोई मेंटल हेल्प मांगे, फाइनेंशियल भले ना कर सको कि तो अपनी अपनी मर्जी होती है, लेकिन मेंटल हेल्प मांगे यार मुझे अवार्ड मिला या मुझे वहाँ जाना है या मैं आज ये खाना खा रहा हूँ या कोई भी ऐसी बात जो आपके साथ में शेयर करना चाहता है उसको आप एक ही लाइन में एक ही शब्द में गुड वेरी गुड थैंक यू ऐसा कुछ बोल दो तो एक लोगों को बदल कर सपोर्ट ऐसा भी किया जा सकता है। और वो छोटी छोटी बातें हैं जो सपोर्ट करने वाली होती है कि वो भी जब आप नहीं कर सकते तो आप
आपके अंदर भी डिप्रेशन आएगा और कोई नहीं है, ऐसा नहीं कि समझना नहीं चाहता समाज, लेकिन किसी के पास टाइम नहीं, टाइम निकालो। आज जैसे आपने अवार्ड के लिए बोला कि सर सारे महान लोग अपना समय निकाल कर आए, है ना, तो ऐसा कोई अगर आपको समझेगा या सपोर्ट कर, अगर कोई नहीं आता तो आप डिप्रेशन में आ जाते, अगर इनमें से कुटी आता तो आज डिप्रेशन में आप आ जाते। सर मैं डिप्रेशन में कभी नहीं आ सकता हूँ क्योंकि मेरे सामने मेरा दोस्त है कल्याण जी जाना, मेरा इंस्पिरेशन। तो इसलिए ये कहता हूँ कल्याण जी अलग ही बात कर रहा हूँ मैं, इसकी जब शादी होने वाली थी तो अरेंज मैरिज शादी हुई, क्योंकि लोग मेरे तो होनी सबके पता ही। तो जब शादी होने वाली थी सर तो मेरे पास में आया, बोला मैं लड़की देखने जा रहा हूँ, कैसे लड़की को इम्प्रेस करूँगा, लड़कियां तो जब चाय का ट्रे लेके आती है अरेंज मैरिज में तो लड़के को बोलती है आज तू मुझे देख ले, उसके पास देखने की बोल मैं तुझे देख ले, वही हो रहा है। तो ये लड़की देखने जाना, पर क्या करूं, मैंने तो बना ली है काम पर किशोर दा का गाना गा, किशोर कुमार साहब के गाने जो है लड़कियों को बहुत पसंद आते हैं, बड़े रोमांटिक किशोर यंग गाने, रोमांटिक गाने होते हैं, लड़कियां वो खुश हो जाती है, तेरा आवाज का तेरा गाना अगर अच्छा लगा तो शादी कर लेगी। बोले इसका क्या सबूत है कि किशोर कुमार साहब का गाना लड़की पसंद कर ही लेगी? मैंने कहा शादी के मामले में किशोर कुमार साहब के गाने लड़कियां इसलिए पसंद करती है किशोर कुमार की खुद की चार शादियां हो चुकी हैं, और ये भी तब जब पूरी इंडस्ट्री की लड़कियों को किशोर दा के देती है। फिर भी चार हो गए। बोले क्या कौन सा गाना? मैंने कहा काम कर लड़की समझ कर गाना चांदनी रात में एक बार तुझे चांदनी बार में एक रात तुझे देखा है। उसके बाद छह महीने तक इसको किसने देखा नहीं। चल रही है डब होके आ रही है, चल रही है, उसमें मैंने एक पैरोडी बनाई, हिंदी फिल्म साउथ ना बन जाए संभालो यारो, हिंदी फिल्म साउथ ना बन जाए संभालो यारो, आ रहा तमिल चलन छा रहा तेलुगु चलन, अपने सल्लू को उनके अल्लू से बचा लो यारो। क्या बात है। तो ये जो गाने हैं, ये जो चीजें हैं हमारे मजबूजा है, ये जो बच्चा है ये बड़ा जरूर नेता बनेगा। किसी को हंसता हुआ देखे पा बच्चा बच्चा भगवान का रूप होता, मगर कह रहा देखो प्रकृति है, बच्चा भी रोते हुए आता है बुलाते हुए जाता है, दुनिया को हम बुलाते जाते हैं, तो रोना हमारे डीएनए में है, हमें तो उसको पार करना है। तो कैसे करेंगे? एक दूसरे की मदद से करेंगे, प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो, क्या हिंदू क्या मुस्लिम क्या सिख और क्या ईसाई, प्यार बांटते चलो, जैसे कोरोना बांटा था ना दूसरे को, अभी तुझे को चुके प्यार बांटते चलो। आखिरी एक मेलोडी मुझे याद आ रही है, मैं सुना देता हूँ आप लोग इतना प्यार से सुन रहे हो, और म्यूजिक देने की बात सबने की है, मुझे ऐसा लगता है कि म्यूजिक एक चीज तो मैं हमेशा पढ़ाई लिखा कितनी भी कर लो आप दिमाग से कितनी तेज हो जाओ, लेकिन समझदार कहलाओगे ही इसमें शक है। पढ़ा लिखा आदमी, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी धीरू भाई अंबानी नहीं बन सका, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी नरेंद्र मोदी नहीं बन सका, माफ करो मैं भी चाहता हूँ, क्योंकि पढ़ाई आपको अपने आप में थोड़ा सा एक अलग ही दुनिया में लेके जाती है ना। तो कला कोई भी कला कोई भी हुनर आप अपने अंदर रखकर कोशिश करें, पढ़ाई लिखाई एक साइड में वो तो है आपके साथ में, आपको जीवन में कभी आए काम आए ना वो बदल है, एक हुनर आपके पास में होना चाहिए, चाहे कोई भी हो, चाहे पेंटिंग का हो चाहे सिंगिंग का हो चाहे डांस का हो चाहे किसी भी लाइफ का एक हुनर आपके पास पार्ट टाइम आपके दिल और दिमाग में होना चाहिए, जिसकी वजह से जब कभी आप डिप्रेशन में आए ऐसा वक्त आए
आता है पढ़ाई लिखे लोगों को बहुत डिप्रॉर्मल है कि पढ़े लिखे ज्यादातर पढ़े लिखे लोग डिप्रेशन में ज्यादातर पढ़े लिखे अनपढ़ आदमी तो निकल जाता निकल जाए क्या बना रहे अभी जहर था कोई बात नहीं जहर ही खत्म कर देगा पढ़ा जो पढ़ा लिखा आदमी ये मत खाओ एक काम करो वहां से मंगाओ सामने वाला उसमें बुराई दिख रही है कहीं से मंगाए कारण पता नहीं वहां से क्या आ रहा है और डॉग मंगा तो सचमुच कोई डॉग आ गए तो एक हुनर अपने आपके पास में होना चाहिए जिसकी वजह से मुझे लगता है कि आप लोग आगे जा सकते हैं तो आइए एक छोटा सा पैरोडी मुझे याद आ रहा है जो मैं हमेशा शो वगैरह में कोशिश करता हूँ गाने अपने आप में कुछ ना कुछ कहते हैं अब जैसे होठों पे ऐसी बात मैं दबा के चली आई खुल जाए यही बात तो दुहाई मुझे लगा ये गाना जो लिखा था राइटर साहब ने किसी तंबाकू खाने वाली औरत को देख रहा होगा होठों पे ऐसी बात दबा के चली आई खुल जाए यही बात तो दुहाई जैसे पुराने गाने में रो रही है हम जिनके सारे हो हुए ना मारे डूबी जब दिल की नैया सामने थे किनारे मैंने कहा एडी तू जिनके सारे क्यों थी हम थे जिनके सारे तू जिनके सारे क्यों थी तुझे ऐसे आदमी के सारे बच्चे लेकिन बाद में पता चला वो एडी थी बेवड़ी थी वो जिनके सारे पूरा बोतल अंदर कर दिया अब जैसे राजकुमार साहब ने बताया कि ये जीन जो है बोतल के अंदर होते हैं जिनके घर शीशे के होते हैं उन्होंने बताया कि जिनके घर शीशे के होते हैं तब हमें पता चला कि जीन जो है अब एक गाना मैंने बहुत पुराना सुना मलिकाए तरम में मैडम बहुजना जी का बस बेटा पढ़ाने की जरूरत नहीं लास्ट है यार तुम सचमुच डिप्रेशन में पड़े हो अच्छा डिस्टर्ब कर रहा हूँ सबको कि कोई अपनी कार लिफ्ट के अंदर छोड़ के आया है क्या तो प्लीज वो कार को 6705 कार का नंबर 6705 जो लिफ्ट में छोड़ के आया है कोई भाई कार लिफ्ट के अंदर ना छोड़ो मेरा नाम लेके गिफ्ट के अंदर छोड़ दो अब ये गाना ये मैं पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ मैडम नूरजहां जी ने बोले कह तो रहूँ मैडम नूरजहां जी ने कहा था आवाज दुनिया मेरी जमा है दुनिया तीन अंतरे में वो किसको पुकार रही है आवाज दे और मुझे लगा यार इतनी तड़प के इवन किसी को पुकार रही है कोई डैशिंग सा बंदा आएगा जो आता है वो ये खुद आगे मैं एक्सेप्ट कर रहा है उसके लिए तीन अंतर लगाए तो ध्यान रखिए अपना और मेरी अगर मुझसे पूछेंगे मैं डिप्रेशन कैसे दूर रखता हूँ तो मुझे लिखने का शौक है लिखते रहते मोबाइल में भी देखता हूँ मैं क्यों हूँ हम सब देखते हैं लेकिन उसमें भी मोबाइल में ही ड्राफ्ट में या पेपर पेन में और पंच अच्छा नजर आया जैसे मेरे सामने लड़की खड़ी है मैं कहूँगा ये लड़की नहीं देश का गहना है ये लड़की नहीं देश का गहना है या जितने मर्द बैठे सबकी बहन है अभी फिल्म आई थी एनिमल आपने जिक्र भी हुआ एनिमल फिल्म देखने के लिए एक बच्चे ने छोटे बच्चे ने अपनी मम्मी से कहा मम्मी मुझे एनिमल दिखाओ ना बच्चा फिल्म दिखाने के लिए कह रहा था लेकिन भारतीय माँ तपी हुई एनिमल देखना है बेटा पक्का एनिमल देखना है शाम तक लोचा तेरा बाप आने वाला और वो तुझे एनिमल दिखाने वाला है आप क्या समझे थे हालांकि आप जो समझे वो भी सही है बाप जैसे ही घर पे आया बच्चे को एनिमल दिखाने लेके ही जा रहा था विक्रम जैसा बाप था लेके जा रहा था तो माँ ने कहा नहीं पति परमेश्वर जी बच्चे को एनिमल मत दिखाओ इसको अगर आपने फिल्म एनिमल दिखा दी तो आज मेरी जान को खतरा है तो
बोले इसको एनिमल फिल्म दिखा दे तेरी जान को खतरा कैसे, बोले फिल्म की स्टोरी मुझे बता दी सर ने, उन्होंने कहा है कि फिल्म की स्टोरी ये है कि बेटा जो है अपने बाप के सारे दुश्मन को जान से मार देता है। और बाप का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है समझ गए? यहाँ अगर हमारे अमित शाह जी आते गृह मंत्री अशोक गहलोत देखते आपके इस प्यारे से अवार्ड फंक्शन को कैसे देते, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेयर हॉल में आए हुए मेरे माननीयवर माननीयवटुओं को मेरा संपूर्ण समर्थन है। आप अपनी फिल्म के जरिए बॉलीवुड में बादशाह है सोहनशाह है एक दिन अमित शाह भी हो जाएंगे। आपका जय हो मेरा हो चुका है। कॉफी विद अलोन जो सुनील पाल की फिल्म आने वाली है उसको जरूर देखिए, उसको आगे बढ़ाइए क्रोनोलॉजी के हिसाब से, उसको अच्छे से प्रमोट कीजिए समर्थन दीजिए, वरना ये मत भूलिए कि मैं कानून का मंत्री हूँ, जो कानून तोड़ेगा फिर कानून उसको तोड़ेगा। तो लोग देखेगा कॉफी विद अलोन 21 तारीख को उसका प्रीमियर जरूर आएगा। सुनील पाल जी लव यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। क्या बात है भूषण सर, जैसे कि आप आज हिंदुस्तान के सबसे बड़े हॉस्पिटल जसलोक के फाइनेंशियल हेड भी हैं, इसके लिए तालियां हो जाए भूषण सर के लिए। और सर एक एनजीओ चला रहे हैं भूषण प्रतिष्ठान नाम से, तो सर आपके एनजीओ के जरिए आप जो स्लम के जो बच्चे हैं जिनको किताबों का अभाव होता है, क्योंकि आजकल किताबें बहुत महंगी हैं, हर स्कूल का कंडीशन है कि किताबें उसी स्कूल से लेनी चाहिए, और आज एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट हो गया, इतने महंगाई के ज़माने में जहाँ पे आमदनी कम है और उसी वहीं वहीं पे जहाँ पे आदमी तीन वक्त का खाना बैठ बैठ खा नहीं सकता वहाँ पे कहाँ बच्चों का एजुकेशन करवाया, तो आपने एजुकेशन का जिम्मा उठाया है। और जो स्लम एरिया में जो आप जिस तरीके से दवाइयों का कि क्या होता है हर विटामिन के खाने मिलते नहीं है और फर्टिलाइजर से भरे हुए हैं, तो जब मिडिल क्लास या स्लम के लोग जो बीमार होते हैं तो उनका मेडिसिन का खर्चा जो भी आप बदल कर रहे हो, और अक्सर देखा कि अपने गए 10-12 साल से जो आप टाटा के एम हॉस्पिटल के बाहर जो खाने पीने का वो जो प्रबंध आप इतने साल से कर रहे हो, इसके लिए हैट्स ऑफ यूर सर, जिसके लिए आपको मैं बुलाया यहाँ पे सर। तो सर आपने ये स्लम की कैटेगरी ये क्यों चुनी, और हॉस्पिटल के बाहर जो पेशेंट खड़े रहते हैं उनके लिए सुबह का नाश्ते का जो प्रबंध करते हो जो मैंने अपने आंखों से देखा, ये वर्ग क्यों चुना आपने समाज सेवा के लिए? गुड इवनिंग एवरीवन। अभी विक्रम सर ने जो क्वेश्चन पूछा कि ये सब क्यों कर रहे हैं आप और कैसे कर रहे हैं, मेरे पिताजी गुजर गए तभी मैं 10.5 साल का था, गरीबी क्या रहती है वो मैंने एक्सपीरियंस किए, जहाँ 2 टाइम का खाना भी प्रॉपरली नहीं मिलता था, आई सी द स्ट्रगल ऑफ माई मदर हु अलोंग विद माय अदर 2 सिस्टर्स, शी हैज गिवन अस अ गुड एजुकेशन, और मेरा अभी तक का 10th स्टैंडर्ड तक का मेरा जो एजुकेशन हुआ वो सब फ्री शिप पे हुआ, ABC मीन्स इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, उसके जरिए मैं 10th स्टैंडर्ड तक सब मेरा एजुकेशन किया। देन फ्रॉम अम्बेडकर कॉलेज I passed out of BCom. After BCom, my first job was with Tata Group, Anilco. Then I did my finance management, business management and postgraduate in hospital administration. जो condition देखे मैं आया तो थोड़ा मुझे ऐसा लगा कि now it's a time to give certain thing back to the society. And then along with one of my trustee who is present here now. Last 15 years we are in this field, but many of my friends last year they told me, Bhushan, please have your trust registered so more people will be benefited. So we established our trust also, but prior to that, during COVID, we have seen the so many patients, they were inside the hospital in St. Peter, but all the relatives and other friend circle, they were out of hospital, everything was closed. So from that time, every Sunday we used to carry 500 milk, 500 mask and 500 bottles. Tata Hospital,
then KM Hospital, Wadia Hospital. After this distribution, then at Parel, there is one milkwala. So I used to carry you two full box of buttermilk. And all the policemen who were on the duty, after food, we used to give that also. Then two, three societies, one based at New Mumbai and another at Thane, they approached us. So it was for mentally challenged. So one full month dry breakfast, then aged patients, we used to provide them medicines as per their requirement. And this is how we started with food distribution. Then every Sunday, we catered to almost 500 breakfasts at KM Hospital without charging anything. We give a proper breakfast. There is no picture of soda, no preservatives, nothing. Because last almost 15 years we are serving this. But till then, touch wood with the Almighty's blessings, there is no single complaint about our quality of the food. And this food is prepared by all the ladies. So another thing that these ladies are also getting some work and some money for that. Another thing I mentioned just now, my upcoming as far as education is concerned. Because unless and until our next generation is not educated, definitely our society and our country will not move ahead. So we have adopted one school at Pawai. It's for 8, 9, 10 standards. All are from slum area. Some of them are not having their parents. Some of them are staying with their uncle. Somebody has lost their father. Somebody is working as a maid. But I have seen the, you know, that urge of learning their education. Every year they gave me 100% results. Even though they are from slum, the high score is between 85% to 90%. After 10th standard, we are also making their arrangement at one nearby college, the trustees whom I know very well. So till 12th standard, they are being taken proper care. And after that, if they want to learn or if they want to have a job, then we are recommending them to go as a cashier for, say, Big Bazaar or DMart. So like this, we are into this field, and I expect the blessings from all of you, because my another one dream, which is likely to be completed in the near future, to have home for old age. ये बहुत शर्म की बात है कि home for old age की ये पाली आनी ही नहीं चाहिए. But today it has really become a need of the society. Many of the people approach me कि भूषण अरे कोई है तो देख लेना जरा ऐसे ऐसे रखना है. ठीक है चलो I will help you. So these are the things, and another thing, one Sandesha, or one message I would like to give to youngsters as well as students, that we have got three responsibilities on us. The first responsibility is towards our parents, towards our mother, father, who has given us a birth, due to which we have seen such a good world and we are in contact with all such good citizens. Second one is our teachers, who has given us a good education. And third one is the society, from where our upcoming is there, wherein we learn not many things, whether it is good or bad. If it is bad, leave it there, take a good things and try to move ahead. That's only my message to today's thing. And apart from this, I must thank Vikrant sir, because he is promoting this social films. So Sunil Bhatji, what rightly he said, the government should make some provision for this young film makers and directors and producers, wherein they can give a good basis to the society. And the main topic which sir was wanting to discuss is the mental health, because he has already told that many of the film star gutka ka aur advertise. Then सर यही सवाल का जवाब पूछने के लिए मैंने फिल्म डिवीजन के वाइस प्रेसिडेंट को बुलाया था, लेकिन अभी तक आए नहीं वो. मैं तो मेरे को उन्हीं को ये सवाल पूछना था, लेकिन देन रमी, अरे मी इकडे खेळलो, माय फीजा फक्त 10 रुपये होते, पण रमी खेळलो 7,14,230 रुपये माझ्या अकाउंट मध्ये आले. वेर वी आर हेडिंग,
I can see so many youngsters addicted to drug addiction, as correctly sir said, mobile. Keep your mobile aside for some time. And I believe in one thing, the family which has, wherein they have their food together at night, that's the best culture. And I think all the parents should follow this, that they should have dinner together. It will create a lot of harmony within the family. Thank you. Thank you very much. ठीक है सर, आपसे जो हम सवाल करने वाले हैं वो थी बहुत ही एंटरटेनिंग है, मजा आने वाला है कि आपकी जो म्यूजिक वीडियो है तेरे नाम बात की तो एक अद्भुत ही बात नजर आई। तो पूरे गाने के अंदर ना हमको कहीं का अश्लीलता दिखी ना किसी का मजाक दिखा। तो आपसे एक बात आपने जो बोली उसके वजह से हम लोग ने तड़का म्यूजिक के साथ में एसोसिएशन किया कि देसी तड़का म्यूजिक के साथ में एसोसिएशन किया कि आपने कहा कि दुनिया का सबसे वफादार प्राणी है कुत्ता, लेकिन कुत्ते के नाम से आजकल गाली दी जाती है, ठीक है कि अरे कुत्ते की मौत मरेगा कुत्ता, है ना। तो सबसे वफादार प्राणी कुत्ता और तेरे नाम का कुत्ता, इस म्यूजिक का इसका क्या कनेक्शन है इसको जरा बताइए, ताकि मेरी ऑडियंस को मेरे फिल्म मेकर के लगे कि ये सोशल इश्यू के साथ में तेरे नाम का कुत्ता ये क्या है। गुड इवनिंग, सबसे पहले मैं तो सारे जो लोग बैठे हैं मैं से सीनियर है तो मैं थोड़ा खड़े होकर बोलना चाहूँगा। ये तो बनता है, तो बेसिकली क्या है कि ये गाना जब मैंने सुना तो मुझे लगा कि गाना कब बनाते ब्रेकअप होते हैं, और ब्रेकअप होने के बाद बहुत सारे ऐसे होते हैं कि ब्रेकअप होने के बाद गाने में लड़का मर जाते हैं या कुछ ऐसे नेगेटिव कर लेते हैं। और मैं बॉम्बे में काफ़ी टाइम से रह रहा हूँ और काफ़ी जगह पर मैंने एक चीज़ देखा है कि जब भी ब्रेकअप होते हैं तो लोग सुसाइड कर लेते हैं। सुसाइड करने की वजह से क्या होता है कि उनके आसपास वाले या उनकी फैमिली है उनसे जुड़े हुए जितने भी लोग होते हैं उनके इफेक्ट होता है, राइट। तो मैंने सोचा कि क्यों ना गाने को ऐसा बनाया जाए कि अगर ब्रेकअप होता है तो उस एंगल को क्यों ना ऐसे एंटरटेन के तरीके से देखा जाए कि ठीक है ब्रेकअप होगा, ओके फाइन, अभी हमें गर्लफ्रेंड नहीं चाहिए बट ठीक है पप्पी पाल लेते हैं, उनको प्यार देते हैं, उनको बेसिकली एंटरटेन करते। तो ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है, तो इस तरह से मैंने। और दूसरी बात, कुत्ता जो है बेसिकली ये लॉयल है, ऑब्वियसली लॉयल है, जल्दी सीखते भी है। सो ये एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। हेलो दोस्तों, अभी इस सेमिनार को एंड करने के पहले मैं आपको, जैसे कि हमारी डिप्रेशन की बात हो रही थी, लोग छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स होते हैं, ब्रेकअप हो जाता है, प्लीज साइलेंस साइलेंस मेंटेन करें। छोटी छोटी बात के ऊपर लोग सुसाइड कर देते हैं, छोटी बात पे डिप्रेशन पे चले जाते हैं। इस डिप्रेशन और एंजाइटी के युग में मैं आपको एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ जिसका मैं चश्मदीद गवाह हूँ, खड़ा है तो बोलना चाहूंगा, बहुत जरूरी है कि आज से कुछ साल पहले, आज से लगभग 16 से 17 साल पहले मुझे एक फोन आया, और तभी मैं अनिल कपूर की फिल्म कर रहा था रिश्ते, और उस बंदे ने बोला कि सर मैं आपको 4-5 दिन से फोन कर रहा हूँ, आप फोन नहीं उठा रहे हो। मतलब यार फोन इसलिए नहीं उठा रहा हूँ कि तभी इनकमिंग कॉल अटेंड करने का पैसा लगता था, 3 रुपए चार्ज करते थे। बहुत मुश्किल से फिर मैं पहुंचा अंधेरी स्टेशन, और वहां पर एक शख्स खड़ा था, और फिर उसने मुझे बोला कि सर मेरा नाम, उसने अपना नाम बताया, और नाम बताने के बाद में काफी टाइम से मेरे मुंह की तरफ देख रहा था वो। फिर मैं होटल के अंदर गया तो वो भी बाजू में आते खड़ा था, बोला खाना खाओगे, बोला हाँ। तो वो मुझे लगा था कि थोड़ा बहुत खा लेगा, लेकिन वो जिस तरीके से खाना खा रहा था, तो वो मेरे से मिलने के लिए इसलिए आया था ताकि वो भरपेट खाना खा सके, खाने के भी पैसे नहीं थे। और वो जो सेकेंड हैंड जो कपड़ा मिलता है गुरुवार संडे के बाजार में, वो कपड़े पहनता था, और उसकी जिंदगी कांदीवली के रोड पे फुटपाथ पे, ये मैं आपको देखा, लोग उसके बारे में क्या कहते हैं आज के डेट में मुझे नहीं पता कि परिवर्तन के साथ साथ लोग बदल जाते हैं। और उसका स्ट्रगल कि उसको फिल्म सिटी का हिस्सा बनना था, और फिल्म सिटी के बाहर खड़ा रह के वो दीवार पे चढ़ कर देखता था कि इसके अंदर मैं कब जाऊंगा, और मुझे नहीं पता था कि कुछ साल बाद सारी इंडस्ट्री उसके इवेंट में आएगी और आगे चल के वो दादा साहब फाल्के फिल्म पुरस्कार का प्रेसिडेंट बनेगा। वेलकम मलेनी जाना, प्लीज कम ऑन द स्टेज। ये वो स्पेशल है कि जिसने, ये वो शख्सियत है, थैंक यू सो मच कमल जी, और इसके
ये जीवन के लिए मेरे बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है कि मैंने वास्तव सत्य कंपनी मुन्ना एमबीबीएस कभी खुशी गम इतनी फिल्में करने के बाद कल्याण जी मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मैं छोटा सा एक शॉर्ट फिल्म भी बनाऊं और आपकी जो फिल्म का हिस्सा मुझे बनाया ढूंढने के मंजिल हम और मैंने वहां पे देखा कि बड़े बड़े आर्टिस्टों का नाम लेना चाहूंगा कि थैली के अंदर खाना लाया जा रहा है थैली के अंदर पतरे का रूम था जिसके अंदर पंखे को ये टेबल पे छेड़ के पंखा चालू कर रहा है और बहुत बड़ा आर्टिस्ट जो मैं नाम ले लेता हूँ और बोला कि यार इधर फैन वैनिटी मैन नहीं है बोला सर वैनिटी मैन नहीं तो मैं फिल्म कैसे बनाऊंगा और खाने के लिए बुफे हैंड ग्लव और कोई सर्विस नहीं है तो बोला नहीं सर ऐसे ही है दांत से तोड़कर थैली के अंदर डाल के और वो फिल्म बनी भी और मुंबई के सारे थिएटर्स में लगी और रात के 12 बजे से लेकर 5 बजे तक कल्याण जी और अभी उनकी जो धर्मपत्नी है जो उनकी गर्लफ्रेंड थी इसका वीडियो भी मेरे पास में है और ये अपने हाथ से पोस्टर लगाए थे मुंबई के दीवालों में और आज कल्याण जी 20 से ज्यादा इंटरनेशनल शो करते हैं और सबसे पहली बात कि पूरे हिंदुस्तान के बॉलीवुड के जितने भी लोग हैं वो बहुत ही बड़े उसमें से चली नमक हलाल है कि दादा साहब फाड़के द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा इसका नमक खाया लेकिन इंडिया के बाहर अगर दादा साहब फाड़के फिल्म पोस्टर को कोई देखेगा है तो मेरा दोस्त कल्याण जी जाना थैंक यू सो मच कल्याण जी थैंक यू सो मच मेरे शो में आने के लिए क्या बोलने सबसे पास कर थैंक यू सो मच आप सभी को हर महादेव जय शंभो जय महाकाल मैं कोई इतना बड़ा इंसान नहीं हूँ हाँ इतना मैं कह सकता हूँ मेरा अगर कोई जुड़ा कोई दोस्त है मेरे आसपास मेरे दिल में मेरे सामने तो वो भी कल मोरे एक बार ताली हो जाए इनके लिए उनको तो दोस्त को जिंदा रखा और मेरे कांदीवन से मेरा भाई आया है उसके लिए पता है क्योंकि उसकी पापा और ध्रुव के पापा और ध्रुव खुद मेरे फूल के दुकान में फूल लेने आता था गांधीवन शंकरगढ़ी में ऐसा कुछ नहीं है असम का लड़का बॉम्बे आया था कोलकाता से भागकर बॉम्बे आया था और यहाँ पे आके सबसे पहला कचरा चुना लोगों की पैर मालिश किया फूल बेचा हार बेचा होटलों में काम किया बर्तन साफ किया बियर बार में डांस किया डांसर बना डांस मास्टर बना और कुछ करने का चाहत था तो भाई को बोला मैं मुझे फिल्म बनाना है मम्मी जी बैठा यहाँ पर मम्मी जी ने मुझे बहुत कुछ खिलाया है मच्छी खिलाया मुझे तो मैंने फिल्म बनाने ढूंढ ली गया मंजिला जिसमें राजा मुरा मुस्तक खान अली खान मेरी उतना था ही नहीं पैसा मेरे पास तो भाई ने भी मुझे हेल्प किया वो फिल्म बना फिर रिलीज किया और सबसे पहले मैं नमन करता हूँ इस मिट्टी को इस महाराष्ट्र की मिट्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है हम सबको दिया है तो इस महाराष्ट्र की मिट्टी को मैं नमन करता हूँ मैं महाराष्ट्र के जितने भी लोग हैं मेरे भाई बंधु उन सबको मैं नमन करता हूँ क्योंकि उन लोग ने अपनी बंगाली इंसान को उनके दिल में पनाह दिया है एक मराठी इंसान ने उनके दिल में पनाह दिया हम सबको जो बाहर से आए हैं और मैं नमन करता हूँ हम सबके राजा हम सबके चेहरे के राजा महाराष्ट्र के राजा माननीय छत्रपति शिवाजी महाराज को नमन करता हूँ और मैं नमन करता हूँ ये तमाम मेरे भाई मेरे बंधु मेरे दोस्त क्योंकि आप लोग के बिना हम अधूरा है क्योंकि आप लोग हैं तो हम हैं क्योंकि आप लोग का आशीर्वाद आप लोग का प्यार आप लोग का साथ आप लोग का सपोर्ट आप लोग के साथ जो वो चीज जो मिलता है वो तो इस आप लोग की वजह से मैं हूं यस मेरी गुरु का बेटा है सुनील पाल जी ये मेरे को मैं जो भी कॉमेडी करता हूँ मैं फिल्म में तो इनसे मैं सीखा हूँ ये मेरी यूनिवर्सिटी है और उस यूनिवर्सिटी का मैं बच्चा हूँ यस यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं सब अपने अपने जगह पे सुपरस्टार हैं उन सभी को मैं नमन करता हूँ यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं सब अपनी जगह पे सुपरस्टार हैं उनको मैं नमन करता हूँ मैं सिर्फ एक लास्ट खाली बोलना चाहता हूँ बिकन मोरे छोड़ना मत इस गरीब को और ये गरीब तेरे साथ है और ये गरीब तेरे साथ ही रहेगा जिंदगी भर और ये गरीब को इन्होंने याद रखना ये सबसे बड़ी बात है जो भाई तुमने मुझे याद रखा हाइदर है यहाँ पे
मुझे बहुत सपोर्ट किया है, मेरी मीडिया में काफी लोग यहाँ पर हैं, सभी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। हाइदर थैंक यू सो मच सपोर्ट करने के लिए जब मैं कुछ नहीं था। और मैं आप लोग को बोल दूं, एक कचरा चुनने वाला लड़का, लोगों ने तो बहुत कुछ बोला, तो दुबई जाके तू और तेरी वाइफ तेरे बच्चे सब लोग थाना बर्तन साफ करेगा शो करने के बाद, लेकिन मेरी महादेव ने मुझे साथ दिया, आप सबों ने साथ दिया। तो दादा साहेब फाल्के जी का अगर ऐसे बहुत सारे लोग दादा साहेब फाल्के जी के नाम से शो करते हैं। मैं रोकना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग हैं जो दादा साहेब फाल्के फिल्म पुरस्कार चलाते हैं, लेकिन जो लोग बोलते हैं कि कल्याण जी के बारे में जो निगेटिव जो बात बोलते हैं, इसके लिए मैं तुमको अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि लोगों ने तो राम की भी बुराई की है, लोगों ने बुद्ध की भी बुराई की है, तो तुम इसको डिमोटिवेट होना नहीं है, क्योंकि लोग पीठ पीछे ही बोलते रहे, डिमोटिवेशन होता रहेगा। आज इस कमर्शियल युग में जहां पे लोग बोलते हैं कि सुपरस्टार ही चाहिए, बड़े सेलिब्रिटी चाहिए फिल्म बनाने के लिए, लेकिन आज भी ऐसे बहुत सारे फिल्म मेकर हैं, जैसे कि देखो सोनू श्रीवास्तव यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे आज ये बिहार से 40 घंटे का सफर तय करके आए हैं, आज इतने साल से स्ट्रगल करके नई फिल्म बनाई जस्टिन मॉम, जो आदित्य पंचोली की वाइफ को लेकर उन्होंने बनाई है, उनका स्ट्रगल मैं अपने आंखों से देख रहा हूँ, और उसके अंदर जिस लड़की ने किरदार निभाया है सोनाली, वो भी वहां पे आई है, अभी इनको भी अवार्ड से फेलिसिटेट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे और एक लड़की थी जो 20 साल की उम्र में डायरेक्टर बनी, उन्होंने मुझे बोला कि मैंने 1000 रुपए में आना पंजाबी, वो छोटी सी लड़की है 19 साल की उम्र, 1000 रुपए में फिल्म बनाई सर मैंने, 1000 रुपए में फिल्म बनाई है, और आज वो हमारे फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड ले ली आगे आउट है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने अपने तरीके से, मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस सारे फिल्म मेकर्स को कि आप हिम्मत ना हारे, हम सब लेट्स चेंज द वर्ल्ड विद हेल्प ऑफ लाइट्स कैमरा एंड एक्शन, और हम इसको चेंज करते रहेंगे, और कल्याण जी आप उसके इंस्पिरेशन हो, क्योंकि कचरा चुन से लेकर इंटरनेशनल लेवल तक आपने बॉलीवुड को बचा, ठीक है। और हम अभी एक ब्रेक करेंगे 15 मिनट का, प्लीज आप टेरेस पे जाइए, खाना पीना नाश्ते खाइए, 15 मिनट हम कम बैक करके अवार्ड फंक्शन को शुरू करते हैं, अवार्ड शुरू करते हैं, उसके पहले ट्रेलर चला दीजिए सर।